अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप यू आर फाइन। टुडेज टॉपिक ट्रांसलेट उर्दू इनटू इंग्लिश विद कॉन्सेप्ट ऑफ डैड। कल हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था दिस का, और आज हम पढ़ेंगे डैड का कॉन्सेप्ट। दिस किस लिए यूज़ किया था हम लोगों ने कल? नज़दीक के लिए। और डैड किस लिए यूज़ होता है? When you talk about something further away, यानी कि कोई चीज़ आपसे दूर पड़ी हुई है। For example, जब आपके सामने टू ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं, एक क्रेज़र है और एक पेंसिल है। ये पेंसिल मेरे पास पड़ी हुई है, तो ये हो गई दिस इज़ पेंसिल। और रेज़र आपसे दूर पड़ी है, तो वो एक रबड़ है या रेज़र है, वो दूर है और ये नज़दीक है मेरे। तो ये एक पेंसिल है, वो एक रबड़ है, वो दूर है। दूर की चीज़ की तरफ इशारे के लिए हम वो उर्दू में और इंग्लिश में डैड यूज़ करते हैं। नाउ मूव ऑन सेंटेंसेस। वो एक कुर्सी है। वो के लिए अब क्या यूज़ करेंगे? डैड। क्या यूज़ होगा? डैड है। डैड इज एक है, तो आएगा आ। डैट इज अ, कुर्सी की इंग्लिश क्या है? चेयर। डैट इज अ चेयर। नाउ कंप्लीट सेंटेंस, लास्ट पे आपने क्या लगाना है? फुल स्टॉप। और सेंटेंस स्टार्ट किससे करना है? कैपिटल वर्ड से। वो मेरा खिलौना है। अब मेरा, वो मेरा खिलौना है। अब दूर पड़ा है और आप दूर से किसके इशारा करके कह रहे हैं वो मेरा खिलौना है, तो अब इसका आएगी क्या इंग्लिश? डैड। वो की डैड है इस मेरा। मेरा की इंग्लिश क्या आएगी? माई। हम कहते हैं ना ये मेरी चीज़ है, डैड इज माई टॉय। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट सेंटेंस, वो मेरा बाग है। डैड इज माई गार्डन। लास्ट में फुल स्टॉप। स्टूडेंट, क्या आपको ऐसे भी आ सकता है, दिस में भी ये सेंटेंस आ सकता है कि ये मेरा बाग है, तो आप तभी इसकी क्या इंग्लिश करेंगे? दिस इज माई गार्डन। ठीक है स्टूडेंट? स्टूडेंट, सेंटेंस कोई भी हो सकता है, आपने इसमें फोकस करना है इसमें दिस लगेगा कि डैड लगेगा। ओके स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट ऑफ डैड ट्रांसलेट उर्दू इंटू इंग्लिश। हाउ टू ट्रांसलेट उर्दू इंटू इंग्लिश कॉन्सेप्ट ऑफ डैड। नाउ स्टूडेंट्स, इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी भी आप डिफरेंट सेंटेंसेस से प्रैक्टिस करेंगे आपकी उतना ही क्लियर होगा कॉन्सेप्ट ऑफ डैड। ओके स्टूडेंट्स, हलाफिज। होप यू आर अंडरस्टैंड दिस टॉपिक।